बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? बिहार का नेता कैसा हो? अनिल कुशवाहा मत घबराना, अनिल कुशवाहा मत घबराना, अनिल कुशवाहा वीर है, बिहार का तकदीर है, अनिल कुशवाहा वीर है, बिहार का तकदीर है, अनिल कुशवाहा वीर है, बिहार का तकदीर है, बिहार का नेता कैसा हो? अनिल कुशवाहा जैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो? अनिल कुशवाहा जैसा हो, अनिल कुशवाहा जिंदाबाद, 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 अनिल कुशवाहा जिंदाबाद, 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 बिहार का नेता कैसा हो? अनिल कुशवाहा जैसा हो, अनिल कुशवाहा जिंदाबाद, 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 अनिल कुशवाहा मत घबराना। जितना बुके दे दीजिए ना आप लोग, एक साथ दे दीजिए। बस अभी आत्मा उठा विकास जी पीछे आइए थोड़ा। कंदर जी, आपने अपने बड़े भाई से हिस्सेदारी की मांग की थी, लेकिन बड़े भाई ने हिस्सेदारी नहीं दिया, उल्टे आपको पार्टी से ही बाहर। हाँ, ये बात ठीक बता रहे हैं, हमने हिस्सेदारी की बात की थी, और जब हमने हिस्सेदारी की बात की थी की तो बड़े भाई ने कहा कि जहाँ जाना है उपेंद्र कुशवाहा चला जाए, तो ठीक है हम तो चले आए, लेकिन हिस्सेदारी की बात हमने की थी और यह भी हमने कहा था कि हम हिस्सा लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जब हम बात कह रहे थे कि हिस्सा लेकर जाएंगे, उस समय हमको लग रहा था कि कुछ नीतीश जी के हाथ में बचा है, लेकिन बाद में चलकर हमको लगा कि अब तो नीतीश जी वहां पहुंच गए हैं जहां नीतीश जी के हाथ में कुछ बचा ही नहीं। जो भी उनकी राजनीतिक कमाई थी, पूरी राजनीतिक जायदाद को उन्होंने आरजेडी के हाथों बंधक रख दिया। अब घर का मालिक बंधक रख दे पूरी संपत्ति, अब उससे क्या मांगिएगा? उनके पास कुछ है ही नहीं, अब बंधक रख दिया उन्होंने। हम तो निकले हैं लोगों के बीच इस बात को लेकर के कि बंधक उन्होंने कागज में जरूर बना दिया है, उस बंधक को बिहार की जनता खारिज करे। अब हमको हिस्सा नहीं चाहिए, मुकम्मल चाहिए, पूरा चाहिए, हम इसलिए निकले हैं। ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से पलटी मारेंगे, तो इस स्थिति में क्या साथ में आएगा? देखिए, हम राजनीतिक रूप से, हमने कई बार इस सवाल का जवाब इस यात्रा के दौरान भी दिया है, राजनीतिक रूप से कोई संबंध नीतीश जी से भविष्य में अब हो ही नहीं सकता है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से हमने कहा है कि भगवान न करे वो बीमार पड़े, कभी आयु उनकी लंबी हो, लेकिन कभी उनको खून की जरूरत हो तो उपेंद्र कुशवाहा सबसे पहले जाकर उनके लिए खून देगा, लेकिन राजनीतिक रूप से कोई संबंध नहीं होगा। जो सरकारी कर्मचारी को छूट दी गई है दफ्तर आने की एक घंटा पहले और बाद में, उसको लेकर के सर काफी लोग चर्चा कर रहे हैं कि देखिए उसमें कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, रामनवमी और चैतनवमी में। अरे भाई सुनिए, मेरा आपका सवाल हम समझ गए, कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ सेकुलर स्टेट है, सेकुलर स्टेट में कोई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म, कोई धर्म के लोग हैं, पर्व त्योहार करने में अगर उनको थोड़ी राहत चाहिए तो सरकार को देना चाहिए। किसी भी धर्म के लोग, चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हो, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हो, किसी धर्म के मानने वाले लोग हो, उनको अगर थोड़ी राहत चाहिए तो किसी भी सरकार को, कोई भी देश की राज्य सरकार या भारत की सरकार, जिसके जिम्मे जो है, जरूर सरकार को इतना काम करना चाहिए। सर, जो अभी यूट्यूबर गिरफ्तार हुआ है उसके पीछे कुछ सफेद पोश लोगों का नाम आ रहा है कि उनके द्वारा संरक्षण, देखिए उसमें जांच चल रही है, अब जांच के उपरांत जो चीजें आएंगी, जब तक जांच पूरी नहीं होती हम भी कैसे बता दें। अब तो ये घर अंदर की बात आपको क्यों बता दें हम। अच्छा, सीएम फेस कौन लग रहा है बिहार में आपको? सीएम फेस अभी प्रधानमंत्री का चुनाव होना है कि मुख्यमंत्री का चुनाव होना है, ये सवाल ही आपका बहुत पहले। तो क्या ये अभी लोकसभा में किसी गठबंधन के साथ जाएंगे या अकेले लड़ेंगे? ये इस पर हमने अभी डिसीजन पार्टी में नहीं किया है, अभी तो कुछ दिन पहले हमारी पार्टी बनी है, पार्टी बनाने के बाद हम यात्रा पर निकल पड़े,
हम समय पर अपने साथियों से परामर्श करेंगे और परामर्श करने के बाद हमारे साथी जो तय करेंगे उसके हिसाब से हम गठबंधन करेंगे। पार्टियों में जब बिखराव आता है तो आखिर यात्रा ही क्यों याद आती है? पार्टियों में बिखराव, पार्टी का जो हेड गड़बड़ करता है तो स्वाभाविक रूप से जनता के बीच ही तो न्याय के लिए आदमी जाएगा, जनता की अदालत में ही जाएगा। आखिर आपके यहाँ घर में विवाद हो तो आप कोर्ट ही जाते हैं ना, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट तो जनता है, तो जनता के बीच हम आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में 2024 और 2025 की नवीनीकरण चल रहा है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए 2024-25 दोनों को एक साथ मत जोड़िए, अभी तो 2024 सामने है, उसके बाद 2025 आएगा। इसमें हमने कहा कि अभी हमने अपनी पार्टी में तय नहीं किया है, आपका प्रश्न भी उसी तरह का है कि गठबंधन के बारे में आप जानना चाहते हैं, हम अपनी पार्टी में तय करेंगे फिर हम बता पाएंगे। लेकिन हाँ, हम आपको इतना जरूर कहेंगे कि गठबंधन से कोई हमारा इनकार नहीं है, आज की तारीख में तमाम राजनीतिक दल गठबंधन के आधार पर चलता है, लेकिन गठबंधन हम कैसे कब कहाँ करेंगे अभी तय नहीं है, तय होगा बताएंगे। लेकिन इतना तो तय है ना, इतना तो साफ है ना कि बिहार में जो 2005 वाले लोग हैं, जहां नीतीश जी फिर से बिहार को ले जाना चाहते हैं, वहां बिहार को जाने से बचाने वाले जो लोग भी होंगे हम उनके साथ राजनीतिक दोस्ती कर सकते हैं। क्या नीतीश कुमार पीएम पीएम? देखिए नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, सबसे पहले जेडीयू में अगर किसी ने कहा था तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था, याद होगा लोगों को। तब हमको लगता था कि हम पार्टी को मजबूत करेंगे, हमारा खुद का आधार मजबूत होगा, हमारे घर में कुछ संपन्नता होगी तो हम पड़ोसी से कुछ मांगेंगे भी, लेकिन घर को ही नीतीश जी ने खाली कर दिया, अब आधार ही हमारा ध्वस्त हो गया, तो अब हमारे घर का खजाना खाली पड़ोसी हमको कहां देने वाला है? तो तब हमको उम्मीद थी, नीतीश जी ने खुद ही उस अवसर को अपने हाथ से खो दिया। अब आज की तारीख में बर्बाद जनता दल यूनाइटेड अस्त्र नहीं बन सकता है नीतीश जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, और बाकी जो उनके साथ वाले गठबंधन के लोग हैं अब उनकी भी स्थिति देखिए, उसमें से कोई कोई व्यक्ति रणनीति के तहत कहता है कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन उसी पार्टी के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी शिखंडी है, नीतीश कुमार जी बेशर्मी है, भिखारी है। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल के लोग जाएंगे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री पद का चेहरा लेकर कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाइए वोट दीजिए उसी नीतीश कुमार जी के लिए, कि शिखंडी नीतीश कुमार जी को वोट दीजिए, भिखमंगा नीतीश कुमार जी को वोट दीजिए, यही कहने जाएंगे ना आरजेडी के लोग? हमने कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नीतीश जी के लिए नहीं किया, आरजेडी के लोगों ने किया है, तो प्रधानमंत्री बनाएंगे कि क्या करेंगे आप लोग समझ सकते हैं। सर जी सवाल, एक आखिरी सवाल, आपने डील की बात कर की थी, क्या है वो डील? देखिए डील, डील का ही एक पार्ट है कि नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं और ईमानदारी से करते रहे हैं, हम उस पर कोई शंका नहीं कर रहे पहले, लेकिन अब इतना कुछ के बावजूद नीतीश जी भ्रष्टाचार के मामला में मुंह बंद किए हुए हैं, तो डील है, डील है। अब आरजेडी, अब नीतीश जी तो बोलते बोलते एक दिन यह भी बोल गए कि तेजस्वी के पिताजी को फंसा दिया गया है, यही डील है कि भ्रष्टाचार के मुद्दा पर भी वही नीतीश कुमार जी है जिन्होंने कभी ऐसे ही मुद्दों के कारण आरजेडी से रिश्ता तोड़ लिया था, और आज उन्हीं मुद्दों पर आप लोग जब सवाल पूछते हैं तो नीतीश जी टाल जाते हैं, मुस्कुराकर जवाब नहीं देते हैं, तो डील का यही पार्ट है। सर सर, पार्टी में केंद्र में या बिहार सरकार में आपकी पार्टी की सरकार आती है तो बिहार वासियों को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, या उसके बाद जो बिहार में जो कर्मियों का पेंशन जो बंद हुआ, क्या पार्टी? अभी अभी, अभी बहुत अभी वक्त से पहले का सवाल है सर। आरसीपी का सवाल है, जनता दलियों को आपने जनाजा जब घोषित कर दिया तो क्या आप ही जनाजा निकालेंगे? नहीं, जनाजा हम क्यों निकालेंगे, जनाजा तो निकल रहा था, हम नीतीश जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे उस समय, आप लोग देखे होइएगा, हम रोज हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे कि नीतीश जी बचा लीजिए, अब नहीं माने, अब नहीं माने तो खुद ही देखिए, जेडीयू की इस स्थिति के लिए कोई और दूसरा जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी जिम्मेवार है, अपने पैर में खुद ही उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली, उसमें कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं।
सर बजट सत्र के बाद तेजस्वी यादव की ताजपोशी की चर्चा हो रही है। इसी के खिलाफ तो हम तो बिहार की जनता को ही आगाह करने आए हैं, वह दिन अगर आ गया तो अनर्थ होगा बिहार के साथ। वैसा दिन न आवे इसके लिए बिहार की जनता को आगे आना चाहिए। अच्छा, आरसीपी सिंह का जो प्रकरण हुआ था उस समय पार्टी में थे, क्या लगता है नीतीश कुमार गलत थे उस समय या आरसीपी सिंह गलत थे? अच्छा, उसके पास पोस्टमार्टम की आज कोई जरूरत है क्या? फिर भी सर, अरे फिर भी क्या, उसकी कोई जरूरत नहीं।